प्रणाम प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम है डॉक्टर अनन्या अवस्थी। मैं मुंबई शहर की निवासी हूँ और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंडिया रिसर्च सेंटर के लिए काम करती हूँ। एक रिसर्चर के तौर पे मेरी विशेष रुचि रही है वित्तीय समावेशन, या जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, इनसे रिलेटेड सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर। और मेरा आपसे प्रश्न ये है कि 2014 में जो जनधन योजना लॉन्च हुई, क्या आप कह सकते हैं, क्या आंकड़े ये दिखाते हैं कि आज 3 साल बाद भारतवर्ष फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर है या ज्यादा सशक्त है? और क्या ये सशक्तिकरण और सुविधाएं हमारी महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को गांव और कस्बों तक भी प्राप्त हो पाई हैं? धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भारत में नहीं पूरे विश्व में आर्थिक जगत के पंडितों की चर्चा का विषय रहा है। 28 अगस्त 2014 को मन में एक सपना लेकर के इस अभियान को प्रारंभ किया था। कल 28 अगस्त को इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अभियान को 3 साल हो रहे हैं। 30 करोड़ नए परिवारों को इसके साथ जोड़ा है, बैंक अकाउंट खोला है। दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा ये नंबर है। आज मुझे एक बहुत बड़ा समाधान है कि 3 साल के भीतर भीतर समाज का उस आखिरी छोर पर बैठा हुआ मेरा गरीब भाई देश की अर्थव्यवस्था की मूल धारा का हिस्सा बना है। उसकी आदत बदली है, वो बैंक में आने जाने लगा है, वो पैसों की बचत करने लगा है, वो पैसों की सुरक्षा महसूस कर रहा है। कभी पैसे हाथ में रहते हैं, जेब में रहते हैं, घर में है तो फालतू खर्च करने का मन कर जाता है। अब एक संयम का माहौल बना है और धीरे धीरे उसको भी लगने लगा है कि पैसे कहीं बच्चों के काम आ जाएंगे, आने वाले दिनों में कोई अच्छा काम करना है तो पैसे काम आएंगे। इतना ही नहीं, जो गरीब अपने जेब में रुपए कार्ड देखता है तो अमीरों की बराबरी में अपने आप को पाता है कि उनके जेब में भी क्रेडिट कार्ड है, मेरे जेब में भी रुपए कार्ड है। वो एक सम्मान का भाव महसूस करता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में हमारे गरीबों के द्वारा करीब 65,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा हुआ है। एक प्रकार से गरीब की ये बचत है, ये आने वाले दिनों में उसकी ताकत है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के साथ जिसका अकाउंट खुला उसको इंश्योरेंस का भी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 1 रुपया, 30 रुपया, बहुत मामूली सा प्रीमियम आज वो गरीबों की जिंदगी में एक नया विश्वास पैदा कर, कई परिवारों में 1 रुपये के बीमे के कारण जब परिवार में संकट आया, परिवार के मुखिया का जीवन अंत हो गया, कुछ ही दिनों में उसे 2 लाख रुपए मिल गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, पढ़ लिख करके निकला हुआ नौजवान हो, अपने पैरों पर खड़े होकर के कुछ करने का इरादा वाले नौजवान हो, करोड़ों करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से, बैंकों से बिना कोई गारंटी पैसे मिले। और वो स्वयं अपने पैरों पर खड़े हुए इतना ही नहीं, हर किसी ने एकाध एकाध दो को रोजगार देने का सफल प्रयास भी किया है। पिछले दिनों बैंक के लोग मुझे मिले थे, जनधन योजना के कारण, इंश्योरेंस के कारण, रुपे कार्ड के कारण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण सामान्य लोगों को कैसा लाभ हुआ है उसका उन्होंने सर्वे करवाया और बड़ी प्रेरक घटनाएं मिली। आज इतना समय नहीं है लेकिन मैं जरूर ऐसी घटनाओं को बैंक के लोगों से कहूंगा कि वो mygov.in पर उसको अपलोड करें, लोग पढ़ें, लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी कि कोई योजना व्यक्ति के जीवन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, कैसे नई ऊर्जा भरता है, कैसे नया विश्वास भरता है। इसके सैकड़ों उदाहरण मेरे सामने आए हैं, आप तक पहुंचाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और ऐसी प्रेरक घटना है कि मीडिया के लोग भी इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, वे भी ऐसे लोगों से इंटरव्यू करके नई पीढ़ी को नई प्रेरणा दे सकते हैं।